ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस यार, आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं रेंच सिमुलेटर। मैं यहाँ पे बनाना है, तो मेरे को जाना है बिल्ड मोड में एंड मेरे को यहाँ पर बनाना है अपना बर्न हाउस। चूज बिल्डिंग। $900, अमेजिंग, मेरे पास सारा पैसा है। रिमूव ग्रास फर्स्ट, ओके, मुझे मालूम था। मुझे गाइस पहले ना यहाँ पर जितनी भी जमीन पे घास है ना, सारी हटानी पड़ेगी, ठीक है, तभी हम लोग कुछ बना पाएंगे। ग्रास कटर मैंने उठा लिया यहाँ से। ये सारा एरिया मुझे क्लीन करना पड़ेगा, अमेजिंग। करते जाओ करते जाओ करते जाओ। और आप लोग यहाँ पर देख रहे होगे भाई कैसे मौसम बदला है। मैं गाड़ी में बैठा हूँ, गाड़ी मैंने रोटेट करी, मीन्स मोड़ी, उतनी देर में एक बादल आया जो कि पूरा सूरज ढक गया। और अब अंधेरा होते जाएगा, कोई नहीं यार, अगर अब अंधेरा हो रहा है तो मैं अपनी लाइट्स ऑन कर लेता हूँ और एक ग्रास काटता हूँ। तो ओके गाइस, अभी ना फिलहाल यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो चुका है। इस पूरे के पूरे एरिया की ग्रास मैंने कट कर दिया है। आई नो आप लोग को कुछ भी सही से नज़र नहीं आ रहा होगा, क्योंकि मुझे खुद कुछ भी सही से नज़र नहीं आ रहा है। इस गाड़ी को हम लोग ना यहाँ पर ला कर खड़े करते हैं। मुझे यार अपनी घर की लाइट ना हमेशा जले रहने देना चाहिए। अपनी गाड़ी से मैं पहले बाहर तो निकल जाऊँ, लेट्स गो, अंदर चलते हैं। इसकी लाइट मैं घर की यहाँ से ऑन कर सकता हूँ। गाड़ी बंद हो गई, इसको बंद करते चलते हैं भाई। सबसे पहले चलकर सोते हैं। ओके गाइस, अभी फिलहाल मैं सोकर उठ चुका हूँ। रात के 8 बजे सोए थे, सुबह के 8 बज चुके हैं। गेट खोलो भाई, काफी ज्यादा बढ़िया मौसम मेरे हिसाब से आज होने वाला है। 100% श्योर नहीं हूं, बट होने वाला है। और अभी हम लोग बनाने वाले हैं अपना बर्न हाउस। कितना एरिया था भाई, सारा मैंने रात में बैठ के क्लियर करा भाई, कसम से। तो यहाँ पर अपना बर्न हाउस बनेगा मेरे हिसाब से। कहीं कहीं की ग्रास अभी भी रह गई है। चूज बिल्डिंग, लेट्स गो, यही मुझे बनानी है, प्लीज ग्रास का बहाना नहीं। ओके फाइनली $900 मेरे पास से कट चुके हैं। अब बिल्डिंग का स्ट्रक्चर तो हमें मिल गया है, बट अभी हमें ना यहाँ पर ये सारी की सारी लकड़ियाँ ला के लगानी पड़ेगी। और आप में से एक सब्सक्राइबर ने, थैंक यू सो मच यार, मैं आपका नाम भूल गया, बट थैंक यू सो मच, उसने मुझे एक मस्त टिप दी थी। शायद से वो रेंच सिमुलेटर का प्लेयर होगा। उसने मुझे कहा कि जो गाड़ी है ना, जैसे लास्ट टाइम, अभी आपको पता चल जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये देखो, लास्ट टाइम मैं क्या कर रहा था ना, कि ये जो लकड़ियाँ होती है ना, इसको मैं उठा के इसमें रखने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। अभी क्या है ना, इसको रख तो यहाँ पर दूंगा, ये देखो मैं इस तरीके से ना इसे रख दूंगा इसके ऊपर। बट सीन क्या हो रहा था कि जब गाड़ी चल रही थी ना, तो वो फिजिक्स की वजह से नीचे गिर जा रही थी। बट मेरे को उसने बताया कि तुम इसको ओपन करो, देन यहाँ पर रखो। और अभी आप लोग देख पा रहे हो ये ग्रीन हो गया, मीन्स अगर अभी हम इसे प्लेस करेंगे तो यहाँ पर ये नीचे नहीं गिरने वाला। तो इस तरीके से अगर हम लोग काम करेंगे ना, तो अपना बहुत टाइम बचेगा। वरना मैं एक एक लकड़ी लेके जा रहा था। तो अभी ना सबसे पहले देखो, हमें इन वुड लॉक्स से प्लैंक्स बनाने होंगे, मतलब अभी और भी ट्री काटने हैं। ट्री से हमें वुडन लॉक्स मिलेंगे, वुडन लॉक्स को हमें प्लैंक्स में कन्वर्ट करना है। और वो प्लैंक्स हमें यहाँ पर लाकर इस घर में, मीन्स इस बर्न हाउस में लगाने हैं, ताकि ये पूरा कंप्लीट हो। और अभी तो भाई काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा यार। मतलब मैं लास्ट टाइम क्या ही कर रहा था यार, मतलब मैंने 10 मिनट का काम, मतलब हाँ 10 मिनट का काम मैंने 1 घंटे में करा, समझ लो। फिलहाल मैं इसके ऊपर भी लोड करा सकता हूँ, अमेजिंग। पहले ट्री काटते हैं, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा सही ट्रिक बताई यार उस बंदे ने। यही ट्री काटता हूँ ताकि अपने रेंच के आसपास का जो घर है ना, वो पूरा क्लियर हो। ये ट्री मैंने काट के नीचे गिरा दिया है, ये भी गिरा दिया है। अब इस ट्री में से इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ वुडन लॉक्स में। यहाँ पर इसे चॉप कर देते हैं पूरा ट्री को, ये वाले ट्री को भी हम लोग पूरा चॉप कर देते हैं। देन यहाँ पर एक एक मेरे को उठा के अपनी इस गाड़ी के ऊपर रखते जाना है। मुझे लग रहा था ना यार, इस काम के लिए मुझे एक बड़ी गाड़ी खरीदने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसी टाइम मैं डीलरशिप की दुकान पे भी गया था और वो लोग ट्रक वगैरह काफ़ी महंगा बेच रहे थे। बट अभी तो यार वो अपने किसी काम का नहीं, अपना इसी से काम हो जाएगा। काफ़ी सारी लकड़ियाँ एक ही बार में मैंने लोड इसके ऊपर करा दी है। ये तो ओके गाइस, अभी ना फिलहाल ऑलमोस्ट मैंने सारी की सारी लकड़ियां यहां पर लोड करवा दिया ट्रक के ऊपर। और मेरे हिसाब से इतनी लकड़ियों से काम अपना हो जाएगा। गाड़ी के अंदर बैठते भाई, कितना ज्यादा सही लग रहा है भाई। मतलब पहले मैंने क्या करा था यार, एक ही बार में इतनी सारी लकड़ियां इसके ऊपर रखी है, लेट्स गो। तो अभी मैं इसे लेकर आ चुका हूँ सीधा अपने पीछे वाले एरिया पे। मुझे यार इसको भी रिपेयर करना पड़ेगा, ये भी काफी ज्यादा गंदा हो गया। बट अभी नहीं, इसको हम लोग बाद में ठीक करेंगे। तो मुझे इसे यहाँ से कुछ इस तरीके से उठाना है। ओह, मैं सबसे पहले मुझे ऊपर वाली उठानी पड़ेगी, लाइन वाइज उठेगी मतलब है। और इसको यहाँ पर रखना है कुछ इस तरीके से। हेलो, रख रहा हूँ मैं तेरे को यहाँ पे, ठीक है। ये रख क्यों नहीं पा रहा हूँ मैं। ओके, प्रेस ई टू इंस्टॉल। ओ सॉरी 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 गाइस, एक्चुअली मैंने ये मशीन नहीं स्टार्ट कर रखा। अभी अगर मैं रखूँगा तो ये डायरेक्ट कट में स्टार्ट हो जाएगी, लेट्स गो। तो ये प्लैंक्स मुझे यहाँ से लेकर जाने हैं, अभी अपना काम हो जाएगा, जल्दी जल्दी करते हैं। दूसरी रखी, तीसरी उठाई, कट जा कट जा कट जा। ओके, तो ये वाली लकड़ी कट चुकी है, दूसरी वाली रखते हैं। देन यहाँ से एक और लाते हैं। कितना ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ये भी कट के नीचे गिर गई, ये भी रख देते हैं। तो चलो गाइस, अभी ना फिलहाल तुम्हारे भाई ने फुल स्पीड में काम करते करते सारी की सारी वुडन लॉक्स जो है यहाँ पर से उन्हें कटवा के प्लैंक्स में कन्वर्ट करवा दिया है। ये लास्ट पीस था, ये भी यहाँ से कट चुका है, ये भी नीचे गिर गया है।
अभी सबसे पहले हम लोग इस मशीन को ऑफ कर देते हैं। इसके अंदर भी फ्यूल काफी ज्यादा खत्म हो गया है और इस फ्यूल टैंक को ना मैं पूरा खाली कर देता हूँ। ठीक है, तो भी फ्यूल टैंक पूरा खाली हो चुका है, इसको यहाँ पे रखो। मशीन को कर देता हूँ ऑफ, और अभी मुझे अगर मैं मार्केट जाऊंगा तो मुझे याद रखना है मुझे इस फ्यूल टैंक को ना पूरा भरवा देना होगा, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ती रहती है। गाड़ी का फ्यूल खत्म हो, कहीं का भी फ्यूल खत्म हो, तो इसी की याद आती है हमें। और अभी मुझे सबसे पहले एक बार में ये प्लैंक्स भी मैं रख सकता हूँ ना। ठीक है, वैसे यहाँ लॉक्स आ गए तो प्लैंक तो आएंगे ही आएंगे। इसको कैसे रखूँ कि एक के ऊपर एक आ जाएंगे? नहीं प्लीज़ ऐसा हो जाए, वरना मेरे बहुत राउंड लग जाएंगे। ठीक है, लेट्स गो। अभी एक के ऊपर एक आ जाएंगे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तीन पीस यहाँ से उठाए एंड 1 2 3 ओके गाइस लेट्स गो। फाइनली जितने भी प्लैंक्स थे वो मैंने अपनी गाड़ी के ऊपर लोड करवा दिए हैं। यार इस तरीके से काम कसम से बहुत ज़्यादा आसान है। मुझे अपनी लास्ट वाला एपिसोड याद आ रहा है यार, मैं एक एक लकड़ियाँ, मतलब लिटरली एक एक लकड़ियाँ उठा के ले जा रहा था बनाने के लिए अपना घर। बट ये तरीका होता 2 सेकंड में बन जाना था यार। जैसे कि अभी ये बनने वाला है पूरा का पूरा बार्न हाउस, तो अपनी गाड़ी को ना मैं पहले एकदम इसके फ्रंट में लेके चलता हूँ। यहाँ पर हम लोग इसे खड़े कर देते हैं और यहाँ से एक एक प्लैंक मैं उठाता हूँ, मतलब तीन तीन उठाऊंगा एक्चुअली। और मुझे यहाँ पर इसे बिल्ड करने के लिए कुछ इस तरीके से लगाना है, 1 एंड 2 एंड इस साइड पर लगेगा 3। दोबारा से 3 उठाते हैं, मेरे को लग रहा है मैं ज़्यादा ही लकड़ियाँ ले आया। दोबारा से लगाते हैं 1 एंड 2 एंड 3 3 2 1 ओके। तो ये वाला एरिया मेरा पूरा कंप्लीट हो चुका है और अभी मेरे को करनी है कंप्लीट टॉप साइड। तो 1 2 3 ये टॉप में शायद से 2 और लगने हैं, प्लीज लग जाना यार। इसको कैसे ओके, एक जंप मार के 3 2 एंड 1। सिर्फ और सिर्फ एक प्लैंक मुझे अभी और लगाना है यहाँ पर। ये नहीं, एक नहीं तीन ले चलता हूँ, पता लगा और कहीं भी कुछ ना कुछ रह रहा हो। एक तो बस ये ज़्यादा हो जाते हैं ना, तो देख रहे हो भाई किस तरीके से लापरवाही हो रही है, नीचे गिर रहे हैं वो। ये मेरे को जंप मार के लगाना है। लेट्स गो, फाइनली गाइस अपना बार्न हाउस कंप्लीट हो चुका है और कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है भाई ये रेड कलर का। मुझे मालूम है मैंने पेंट वगैरह नहीं करा, बट इस गेम में ऐसे ही होता है भाई, बस तुम बना दो तुम्हारा पेंट वेंट अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाएगा। लेट्स गो। ये दोनों लकड़ियाँ ना उठा के मैं रख देता हूँ, इसे संभाल लेता हूँ, क्योंकि बाद में अगर मैं और कुछ भी बनाऊंगा तो ये उसमें काफ़ी ज़्यादा काम आने वाले है। और ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है रेंच, बट मुझे ये नहीं समझ आ रहा इसमें अपनी काँव ला के कहाँ बांधूंगा। सब कुछ एकदम बढ़िया हो चुका है, काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है मेरे को। तो चलो गाइस आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से इस वीडियो को जाके लाइक कर देना। इस वीडियो पर मैं एम करता हूँ 5,50,000 लाइक्स का। और जो भी चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना एंड मेरे से बात करने के लिए डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लेना। तो चलो गाइस आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।